ये तस्वीरें उसी गाजा की हैं जहां पर पिछले 7 दिनों से अमन कायम था। इसराइल और हमास दोनों की ओर से फायरिंग बंद थी, लेकिन आज इसराइल की आर्मी की जानिब से दावा किया गया कि हमास ने सीज फायर को तोड़ दिया और इसराइल की ओर रॉकेट से हमला कर दिया। IDF ने इस हमले को नाकाम तो कर दिया, लेकिन इसराइल ने गाजा में अपने ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है। हमास के खिलाफ जवाबी हमला करते हुए गाजा पर एयर स्ट्राइक की और टैंकों से भी गोले दागे। इसराइल ने हमास पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उसने यरगमालियों की नई लिस्ट नहीं दी और आरजी सीजफायर की खिलाफ वर्जी कर दी। हालांकि ये खबर ये भी है कि इसराइल और हमास लड़ाकों के बीच एक और आरजी सीजफायर आज सुबह ही खत्म होने वाला था, लेकिन किसी भी फरीक ने इसे बढ़ाने के लिए समझौते का ऐलान नहीं किया। इतना ही नहीं, आरजी सीजफायर के खत्म होने से 1 घंटे पहले इसराइल ने कहा कि उसने गाजा के दागे गए एक रॉकेट को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही फलस्तीनी इलाके में भी धमाके और गोलियों की आवाजें सुनाई दी। इससे कबल गाजा में हमास की कैद से रिहाई के बाद इजरायली बंधक तेल अवीव के पास शीबा मेडिकल सेंटर पहुंचे। हमास ने कल आरजी सीजफायर समझौते के आखिरी वक्त को थोड़ा बढ़ा दिया था और 8 इजरायली बंधकों को आजाद कर दिया। बदले में इसराइल ने 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। कतर की सालिसी वाले इस आरजी सीजफायर को जारी रखने के लिए हमास से रोजाना 10 बंधकों को रिहा करने की जरूरत थी, लेकिन कतर के वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि जुमेरात को 8 के अलावा कोई और बंधक आजाद नहीं किए जाएंगे। कतर के इसी बयान के साथ ही ये खदशात मजबूत होते जा रही थी कि आरजी सीजफायर और नहीं टिक पाएगी। वैसे भी इसराइल के लिए इस आरजी सीजफायर का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने बंधकों की रिहाई था, इसके सिवा कुछ भी नहीं। गाजा का बड़ा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। इसराइल की आर्मी हमास की कई खुफिया सुरंगों को तबाह भी कर चुकी है। गाजा पट्टी में बम और बारूदों की शुरू हुई बरसात के साथ एक सवाल का जवाब मिलना बाकी है, आखिर ये जंग कब तक खिंचेगी? इसका एक जवाब तो यही है कि जब तक इसराइल की सारी शर्तें मान ली जाएं, लेकिन क्या हमास इसके लिए तैयार होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।